अंतर जिला स्थानांतरण 671 पद सृजन 3600 पे ग्रेड स्वैच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण वेतन विसंगति पदोन्नति अतिरिक्त प्रभार भत्ता सहित 8 टीवी सूत्री मांगों को लेकर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के अगले चरण में समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार का कोई भी कार्य नहीं करने का संकल्प पत्र भरते हुए असहयोग कलमबद्ध आंदोलन का आगाज किया गया और आज से प्रदेश नेतृत्व के अग्रिम आदेश तक पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा की। सभी ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति मुख्यालय पर एकत्रित हुए और अपनी कलम व अलमारी की चाबी एक कलश में रखकर लाल छन्ने से बांधकर हाथ लगाते हुए आंदोलन को सफल बनाने के लिए पुणे तक कमलबंद असहयोग करने का संकल्प लिया। उक्त कलश संबंधित उप शाखा अध्यक्ष को सौंपा गया। आंदोलन को सफल बनाने हेतु जिला प्रतिनिधि सभा की बैठक जिलाध्यक्ष शंकर कुमार की अध्यक्षता के जरिए जूम मीटिंग से की गई, जिसमें प्रदेश मंत्री हेमंत पालीवाल, संभागीय मंत्री अब्दुल हकीम मंसूरी, जिला उपाध्यक्ष दुर्जान सिंह, संगठन मंत्री केसर सिंह राठौर, दिलीप मीणा, संयुक्त मंत्री दिनेश कटारा बाबूलाल, आईटी मंत्री निखिल गोयल, शंकर स्वामी सहित समस्त 20 उप शाखाओं के सराडा अध्यक्ष जय नारायण सेमारी, हेमंत कुमार मीणा, सलूम्बर नीलेश मेहता, दयागांव भवरलाल मीणा, खेरवाड़ा मणिलाल मीणा, ऋषभ देव, विनोद मीणा, जलारा भानु प्रताप सिंह, लसाडिया राजेंद्र भट्ट, गिरवा भूपेश भट्ट, मालवी प्रकाश पालीवाल, भिंडर प्रभुलाल, बल्लभ नगर चैन सिंह, कुराबड हितेश पालीवाल, बडगांव अशोक गोंगुंदा, सुरेश नागलिया, सायरा योगेंद्र सिंह, कोटडा लक्ष्मण शर्मा, डाडोल ब्रज बिहार, आमेठा पलासिया, दिनेश कलासुआ, जयसमंद भेरूलाल मीणा मंत्री व जिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जी सर, शंकरलाल कुमार जिलाध्यक्ष राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उदयपुर। आज हमने प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार कलमबंद असहयोग आंदोलन का आगाज किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के मार्फत से सरकार को कि हम विगत 30 जून से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कोई भी काम ना तो सरकार का रोका ना जनता का रोका, और अनवरत गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांगे मनाने के लिए कृत संकल्प थे। लेकिन अंतर जिला स्थानांतरण वेतन विसंगति 3600 पे ग्रेड 671 पद सृजन पीओ के पद सृजन सहायक विकास अधिकारी के ये जो मांगे हैं, इनमें अधिकांश मांगे ऐसी है जिनमें कोई फाइनेंशियली सरकार के ऊपर लोड नहीं जा रहा है। उसके बावजूद भी लिखित समझौता हो चुका है पंचायत राज मंत्री साहब से और CMO से, उसके बावजूद भी इनके कोई आदेश जारी नहीं हो रहे हैं और सरकार के जो अधिकारी हैं जो बिल्कुल भी जनप्रतिनिधियों की बात मान ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमने आज से कलमबंद असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया है, जिसमें आज सभी ब्लॉक स्तर पर सभी पंचायत समिति में इकट्ठे हुए सभी साथी इकट्ठे होने के बाद में सब ने अपनी अपनी कलम इकट्ठी करके एक कलश में रख करके अपने आलमारी की चाबी भी कलश में रख करके लाल छन्ने से उसको बांध करके ब्लॉक अध्यक्ष जी को दिया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है जब तक प्रदेश से भी निर्देश नहीं आते हैं तब तक हम कलम बंद करके ही असहयोग आंदोलन करते रहेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे।